त्रि स्तरीय पंचायत निर्वाचन के नामांकन तिथि के करीब आने के साथ ही बड़ी संख्या में उम्मीदवार जमानत राशि जमा करने बैंकों की ओर उमड़ रहे हैं। शुक्रवार को बैंकों में अवकाश के बावजूद चालान जमा करने के लिए बैंक खोले गए और 5 काउंटरों पर चुनाव से संबंधित चालान जमा किए गए। पंचायत चुनाव के तमाम उम्मीदवार SBI मुख्य शाखा बैंक रोड पर पहुंचे और अपना चालान जमा किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SBI मुख्य शाखा के प्रबंधक प्रसून कुमार ने बताया। सर, आप जो पंचायत चुनाव के लिए गए थे, जी जमा हो रहा है, कितने काउंटर बनाए गए हैं और आप छुट्टी का रीति में? देखिए, शासन आदेश के तहत और बैंकों ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में योगदान देने के लिए आज हमारी शाखा जो गोरखपुर शहर की सबसे बड़ी शाखा है, इसमें हम लोगों ने आज 8 काउंटर चलाए हैं। सुबह 9:45 से हमारी 8 काउंटर रन कर रहे हैं। सुबह से लेके अभी तक हम लोगों ने 1000 से ऊपर का चालान अभी तक जमा कर दिया है और अगर बाहर भीड़ की पोजीशन जो है वो ऐसी रहेगी तो हम लोग उसको देर तक भी काम करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आज जितने भी लोग आए वो सबके सारे के सारे चालान जमा हो जाए। एक एक व्यक्ति से हम लोग एक बार में 3 चालान जमा ले रहे हैं। बैंक खुला ही रहेगा? कल बैंक खुली है, कल भी चालान जमा होगा और जैसा कि सुनने में आ रहा है, अभी हमारे पास पूरी तरह से सरकार की ओर से लेटर नहीं मिला है हमें कि 4 तारीख को भी कुछ जिलों में बैंक की शाखाएं खोलने के लिए आदेश दिया गया है। हमें अभी उसकी कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है। अगर हमें उसकी प्रति प्राप्त होती है तो 4 तारीख को संडे है तो हम 4 को फिर भी चालान के लिए ब्रांच खोलेंगे।